ईओ नगरपालिका को नगरपालिका के कर्मचारियों ने हटाने की मांग। कर्मचारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। ईओ दिनेश विश्वकर्मा मुर्दाबाद जमकर लगाए नारे। नगरपालिका के कर्मचारियों ने कहा, ईओ ने भ्रष्टाचार कर नगरपालिका को लूटा है। नगरपालिका से ईओ दिनेश विश्वकर्मा ने किया है करोड़ों का घोटाला। कोरोना काल में भी ईओ ने किया है सैनिटाइजर और मास्क के नाम पर घोटाला। कर्मचारियों ने कहा कि ईओ दिनेश विश्वकर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक हम कर देते हैं सबको मैनेज। नगरपालिका के कर्मचारियों ने कहा, इस तरह का भ्रष्ट ईओ नगरपालिका में रहा तो बलिया नगर पालिका का विकास नहीं हो पाएगा। बलिया से रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। बलिया में कर्मचारी हूं और अपने संगठन का संरक्षक हूं मैं। आज किस बात को लेके आप लोग यहां पत्र लेके पहुंचे हैं? इस भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए करीब 1.5 महीने से माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग पत्र दिए हैं। महोदय द्वारा जांच कमेटी भी बनाया जा रहा है, लेकिन अपने रसूख के बल पर यह शासी अधिकारी उस जांच को प्रभावित कर रहा है, रोक रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, शासन से भी मांग कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी को हम लोग दिए हैं, इस भ्रष्ट शासी अधिकारी को यहाँ से हटा के तब इसके ऊपर जाँच किया जाए। इसका भ्रष्टता का कोई सीमा नहीं है, नगर पालिका को खोखला कर दिया है। कैसा आप रसूख कर रहे हैं? कौन रसूख है? रसूख करोड़ों करोड़ों पैसा यहाँ से कमाया है। कौन? और ये अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा जेम पोर्टल में, 14वां वित्त में, स्वच्छ भारत मिशन में, हैंडपाइप गड़वाने में ये डब्बा खरीदा है, 500 रुपये का डब्बा 850 रुपये में खरीदा है। एक JCB कोरोना में जो भी सेंट्राइज वगैरह का है, हमारे चेयरमैन भी लिख दिए हैं कि ये जो है इसमें भ्रष्टाचार किया है। हम माननीय हमारे चेयरमैन भी मुख्यमंत्री तक को लिखे हैं कि ये जेम पोर्टल और इसमें भ्रष्टाचार किया है। जब तक इसको बलिया से हटाया नहीं जाता है तब तक, अभी देखिए अभी 4.5 करोड़ का ठेका किया है और 20 दिन से हमारी नगर पालिका का JCB इसमें काम कर रही है। नहीं, जब ठीका हम ठेकेदार को दे दीजिए तो हमारे JCB का वहाँ खड़ा होकर JCB से ही काम कराता है। इस तरह का भ्रष्टाचारी है ये। इतने दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई नारे लगा रहे हैं, तमाम घोटाले के बाद आपने कहा ईओ के बारे में, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने पत्र दिया है जाँच कराने के लिए, इनके द्वारा कमेटी बनाई गई है। वो बोलता है कि हमारे सब मैनेज है, ये क्या हमारा उखाड़ लेंगे लोग। आप लोगों के सामने भी कई बार बोलता है कि कर्मचारी या कोई हमारा क्या उखाड़ लेता है। कौन बोलता है? अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा बोलता है। इसका मिजाज देखिए, आपको पीछे की बात हम बताना चाहते हैं कि आज से साल भर पहले माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी और उस समय हम लोग के माननीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी विधायक थे और हमारे 2500 सभासद जाके इसका ट्रांसफर कराए, वहाँ पर इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ किए थे। उसके बाद 1.5 महीने तक ये गायब रहा और 1.5 महीने बाद फिर अपना ट्रांसफर रुकवा के वहाँ अपने रसूख के बल पर कहता कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके सब लोग हमारे मैनेज हैं और आया। जब से आया तब से भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ नया चीज़ देखा जा रहा है, जैसे अपने जनपद में पहले जनता विरोध करती थी ईओ का चाहे चेयरमैन का कुछ गड़बड़ी हो तो, आप उसी विभाग के रहने वाले हैं, उन्हीं के साथ काम करने वाले, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप उन्हीं के खिलाफ इतना आप लोग? ये दिनेश कुमार विश्वकर्मा जब से दूसरी बार यहाँ आया है, ये जाति विद्वेष फैलाने वाला आदमी है। 15-16 हमारे यहाँ बाबू एम्प्लाई हैं, लेकिन 300 स्वजाति अपने एम्प्लाइयों से सारा जितना लूटपाट का काम है सारा काम ले रहा है 3 लोगों से। और एक पहले से हमारे यहाँ 3 मिसल कात्री नियुक्ति हुई है, उन लोगों को एक लेडीज़ का भी नियुक्ति हुआ है, उसको कर दिया है बिल कलेक्टर पर क्षेत्र में घूमने के लिए। और एक अपने स्वजाति को 5 लाख रुपया लेके ये कर दिया है बाबू पर डायरेक्ट, जबकि चेयरमैन को पावर है बाबू की नियुक्ति करने का। मतलब घोटाला उनके जी में बहुत ज़्यादा, नगरपालिका का काम नहीं, घोटाला का है, हर चीज़ में घोटाला है। ठीक है, तो आखिरी मांग क्या करते हैं आप लोग? हम ये नगरपालिका को और नगर को क्षति पहुँचा रहे हैं। हम लोग का ये है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब बलिया में रहेगा तो बलिया का ना विकास